सॉलिड, ये कंसेप्ट पढ़ रहे हम। फ्रिक्शन देखो, हम पहले फ्रिक्शन पे आते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि ये एक डेस्क है, ठीक है, सरफेस है, टेबल सोचो, जिस पे मैंने, ये एक सरफेस है टेबल का और उस पे एक बॉडी रखी है सॉलिड की, ठीक है। अब इस बॉडी पे मैं एक फोर्स अप्लाइड कर रही हूँ। क्या अप्लाइड कर रही हूँ? फोर्स। सपोज यहाँ पे एक पर्सन है जो फोर्स अप्लाइड कर रहा है। अब मुझे, मेरी ड्राइंग कुछ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप इमेजिन करो ऐसे कुछ, तो भी वो फोर्स अप्लाइड कर रहा है, लेकिन ये बॉडी हिल नहीं रही है। फोर्स अप्लाइड करने के बाद भी बॉडी हिल नहीं रही है, यानी उसने बढ़ाया 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 बढ़ाया, लेकिन बॉडी कुछ हल, यानी हिलने का नाम नहीं ले रही। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर आपके घर में अलमीरा होंगी और आपको बोला जाए कि उसको एक जगह से दूसरे जगह पुशअप करो, तो आपसे एक जन से नहीं उठती है वो, यानी आप फोर्स, आप पूरी ताकत भी लगा दो तो ये बॉडी नहीं हिलेगी। सपोज इस बॉडी में जो फोर्स लग रहा है, यानी इस बॉडी को जो फोर्स है वो कितना है, देखो आपको एक पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कि ये जो बॉडी है ये नीचे एक फोर्स अप्लाइड करती है, दैट इज वेट एमजी। क्या अप्लाइड करती है? वेट एमजी, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। और हर एक्शन को एक रिएक्शन मिलती है, थर्ड लॉ न्यूटन का। तो इसकी रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी, उसे हम नॉर्मल भी बोलते हैं और या फिर उसे रिएक्शन भी बोलते हैं, आर भी बोलते हैं। एन से भी डिनोट होती है और आर से भी डिनोट होती है। इसके कारण ये एक दूसरे को बैलेंस करती है, तो यहाँ पे जो इसका वर्टिकल फोर्स है वो नेट फोर्स जीरो हो जाता है, क्योंकि एन किसके बराबर होता है? तो एम जी के बराबर। एन किसके बराबर होता है? एम जी के बराबर, या एन और आर रिएक्शन, और या उसे ही नॉर्मल भी बोलते हैं हम, ये दोनों किसके बराबर हो जाता है? एम जी के बराबर। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स सेम होता है, इसलिए यहाँ पे जो वर्टिकल फोर्स है वो नेट फोर्स कितना हो जाता है? जीरो होता है, ठीक है। अब ये ना ऊपर हटेगी ना नीचे, लेकिन यहाँ पे जब वो फोर्स अप्लाइड कर रहा है तो वो बॉडी हिलने का नाम नहीं ले रही है। सपोज मैंने ये जो बॉडी है इसका, जो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला इस बॉडी का जो नीचे दे रहा है, वो सपोज वो जो फोर्स है उसका वो है सपोज टू बी 40 न्यूटन का। इतने न्यूटन का? 40 न्यूटन का। और ये बॉडी जो फोर्स अप्लाइड कर रही है वो सपोज टू बी 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड कर रही है। अप्लाई फोर्स, हाँ, अप्लाइंग फोर्स कितना है? 30 न्यूटन का। बॉडी खुद पे कितना फोर्स है बॉडी का? दैट इज 40 न्यूटन का। क्या इससे ये बॉडी हिल पाएगी? क्या इससे, इस आदमी से ये बॉडी हिल पाएगी? क्या ये अगर 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड करेगा तो? नहीं, यानी इसको इस पे इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये बॉडी हिल पाए, तो उसके लिए उसको 40 न्यूटन से ज्यादा, 40 या 40 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अगर ये बॉडी अप्लाइड करती है इस बॉडी पे, तभी जाके ये बॉडी हिलती है। सपोज मैंने इस पे, अगर मैंने अप्लाइड फोर्स जो है और ये बॉडी का जो फोर्स है ये मैंने इक्वल कर दिया, यानी दोनों 40 न्यूटन का कर दिया, यानी ऐसा सोचो कि जब ये हम 30 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाइड कर रही, तो ये यहाँ पे एक ऐसा भी फोर्स है जो फोर्स इस बॉडी को 30 न्यूटन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड कर रहे हैं। जैसे हम वो क्या बोलते हैं, पंजा लड़ो ना खेतो, अपन पंजा लड़ोताना काय होते कि दोन माणसं ते हातात हात घेतात आणि इकडून जेव्हा एक जण फोर्स लावतो तो दुसऱ्या डायरेक्शन मध्ये दुसराही फोर्स लावतो, त्याच्यामुळे तो इकडे नाही सरकत ना इकडे नाही सरकत, जाग्यावरच्या जाग्यावर राहतो। जर कंटिन्युअसली दोघं जण सारखा सारखा फोर्स अप्लाइड करत असेल, इकडूनही जर तो 10 न्यूटनचा फोर्स अप्लाइड करत असेल आणि याही डायरेक्शननी 10 न्यूटनचा फोर्स अप्लाइड होत असेल, तर ती बॉडी सरकायचं नाव घेत नाही, ती जाग्यावरच्या जाग्यावरच राहते, जगो पे राहेंगी वो बॉडी। यानी दोनों फोर्स कैसे हो जाते? इक्वल हो जाते फिर से। यानी अगर मैं बोलूं कि यहाँ से अगर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो यानी कोई तो भी एक फोर्स और इस पे लग रहा है जिसके कारण ये बॉडी हिलने का नाम नहीं ले रही है, वो भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। न्यूटन का लॉ तो ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाइड होता है तो वो बॉडी एक्सिलरेटेड होनी चाहिए, वो बॉडी एक्सिलरेटेड होनी चाहिए, लेकिन वो फोर्स कैसा होना चाहिए? अगर वो अनबैलेंस फोर्स होता है तो,
अगर वो अनबैलेंस फोर्स रहेगा तभी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बॉडी विल बी इन अ स्टेट, और इनर्शिया का लॉ है कि बॉडी रेस्ट में रहेगी या वो फिर यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, कब तक के रहेगी, अगर उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं करता तब तक। यानी यहाँ पे जब तक के कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, यानी ये अगर 40 न्यूटन का, ये अगर 30 न्यूटन का अप्लाइड कर रहे, तो ऐसा सोचो कि यहाँ पे भी कोई तो भी अपोजिट डायरेक्शन में उस पर 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड कर रहा है। अगर ये 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड करती है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई तो भी 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड कर रहा है, इसलिए इस पे नेट फोर्स जीरो हो रहा है, इसलिए ये बॉडी हिल नहीं रही है। यानी अप्लाइड फोर्स और जो हमारा जो फोर्स है वो अगर 40 न्यूटन का हो भी जाता है, इक्वल भी हो जाता है, तो इन दैट कंडीशन अप्लाइड फोर्स और उस बॉडी का जो अपोजिट डायरेक्शन में कोई तो भी एक फोर्स लगा रहा है वो भी 40 न्यूटन का है, तो इन दैट कंडीशन नेट फोर्स जो बॉडी पे हॉरिजॉन्टली अप्लाइड हो रहा है, हॉरिजॉन्टली जो नेट फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो भी कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको 40 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई कर दूं, यानी यहाँ पे अगर मैं 45 न्यूटन फोर्स इस पे अप्लाई कर दूं, अप्लाइंग फोर्स कितना कर रही है 45 न्यूटन का, अब ये बॉडी थोड़ा सा हिलेगी, ये बॉडी क्या करेगी, थोड़ा सा हिलेगी। लेकिन ये कंसेप्ट पे हम बाद में आते, पहले इस कंसेप्ट पे आते हैं कि जब हम इस ये अप्लाइंग फोर्स और इसका जो फोर्स है ये अगर इक्वल हो जाता है, यानी यहाँ पे ये इस डायरेक्शन से 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड कर रहा है, गुड मॉर्निंग बेटा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स अप्लाइड हो रहा, वो भी कितने का हो रहा है, 40 न्यूटन का ही हो रहा है, 40 न्यूटन का ही हो रहा है। तो उस फोर्स को जो, अब ये फोर्स कौन लगा रहा है, तो ये दो सरफेसेस एक दूसरे पे वो फोर्स लगा रहा है, ये जो हमारा टेबल है इसका सरफेस और ये जो ब्लॉक या आलमीरा होगी उसका सरफेस, वो सरफेस एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाइड कर रहा है, और उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ फ्रिक्शन, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, इस पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। और जब तक के किसी पे फ्रिक्शन नहीं होगा तब तक के बॉडी मोशन में नहीं आती है, नहीं तो बॉडी वही के वही रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम भी खुद चलना चाहे तो हम पहले सरफेस पे, हमारा जो ग्राउंड सरफेस होता है वो रफ होता है, और रफ होने के कारण ही हम जब उसको जब चलते हैं तो हम एक देखो चलते समय हम ऐसे पाँव उठा के फिर आगे लेके जाते हैं, ऐसा पाव पीछे पुश होता है ऐसे, और फिर हम आगे निकलते हैं। तो ये जो हम दे रहे हैं रोड को, ये क्या दे रहे हैं, रोड और हमारे पाव के बीच में, हमारे जैसे ये दो फोर्सेस, ये दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कुछ तो भी है, यहाँ पे भी कुछ तो भी रफ सरफेस है, और जब इनको हम घिस रहे हैं ये अगर आगे सरकता है तो समझो कि इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन के कारण ये आगे चल रहा है। अगर यहाँ पे मैं कोई ग्रीस या ऑयल लगा दूँ तो ये यही के यही स्लिप डाउन होते रहेगा, आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्यों होता है, ड्यू टू द फ्रिक्शन कब होता है, कहाँ पे होता है, तो बिटवीन द टू सर्फेसेस ऑफ अ बॉडी, टू डिफरेंट सर्फेसेस ऑफ अ बॉडीज, यानी इन दो डिफरेंट सर्फेसेस के कारण यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, और इस फ्रिक्शन के कारण ये बॉडी मूव आउट नहीं हो रही है। क्यों नहीं मूव आउट हो रही, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स दोनों कैसे हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो फ्रिक्शन के भी तीन टाइप है, पहला टाइप जो है वो है, आता है दैट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड टाइप आता है दैट इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसे ही हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जो हमारा थर्ड वाला आता है वो है दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन आता है, रोलिंग फ्रिक्शन। तीन टाइप के फ्रिक्शन है, एक स्टैटिक, एक काइनेटिक एंड एक रोलिंग फ्रिक्शन। ये जो हम पढ़ रहे हैं कि 40 न्यूटन अप्लाइड करने के बाद वो बॉडी 40 न्यूटन ही फोर्स अप्लाइड कर रही है और बॉडी मूव आउट नहीं हो रही है, तो उस फ्रिक्शन को हम कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं, दैट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो उस फ्रिक्शन को हम कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जैसे ही मैंने, जैसे बोला आपको कि मैंने अप्लाइड फोर्स 40, यहाँ पे इस बॉडी का फोर्स 40 न्यूटन है, और मैंने जो अप्लाई किया वो फोर्स अगर 45 न्यूटन का है, वो फोर्स कितने का है, 45 न्यूटन का है,
तो अब ये बॉडी जस्ट मूव आउट होना स्टार्ट होगी, यानी मोशन में आना स्टार्ट होगी, उसे हम कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं, दैट इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बॉडी जस्ट मूव आउट होगी, या फिर कोई इंक्लाइंड सरफेस है, ऐसा इंक्लाइंड सरफेस है और इस सरफेस पे मैं ये ब्लॉक रख दूं, तो ये ब्लॉक क्या होगा, इस डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो मोशन हुई, ये जो फ्रिक्शन हुआ इस ब्लॉक और इसके बीच में, इसको भी फ्रिक्शन मिल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमेशा ध्यान में रखना, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है। तो ये जो फ्रिक्शन रहेगा, ये सरफेस अगर इंक्लाइंड है, यहाँ से ये ब्लॉक नीचे हम छोड़ रहे हैं, तो ये जब ब्लॉक छोड़ते नीचे नीचे आएगा, तो ये तो यहाँ पे एक फोर्स लग ही रहा है, और लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। और ये जो मोशन होगी, ये स्लाइडिंग मोशन हो रही है, इसलिए इसमें वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती जा रही है, इसलिए यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर, यानी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, अब इस पे आते हैं, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे। लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहता है कि ये जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, कौन सा, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ये डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शनल जाता है, तो ये जो आपका नॉर्मल है, इस नॉर्मल को प्रोपोर्शनल जाता है। नॉर्मल क्यों, क्योंकि नॉर्मल यानी इस बॉडी के वेट के इतना, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शनल जाता है, नॉर्मल को, और इसका आता है फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू एस इनटू एन। व्हाट इज म्यू, दिस इज साइन ऑफ म्यू, व्हाट इज म्यू, एम यू, म्यू, म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी अगर मैं वैल्यू निकालने जाऊं तो म्यू एस इज इक्वल टू फॉर्मूला ऐसा हो जाता है, एफ एस अपॉन एन, यानी इट इज द रेशियो ऑफ स्लाइडिंग फोर्स टू द नॉर्मल, स्लाइडिंग फोर्स टू द नॉर्मल इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इट हैज नो यूनिट, इट इज ऑल्सो इन न्यूटन एंड दिस नॉर्मल इज ऑल्सो इन न्यूटन, तो दोनों का न्यूटन न्यूटन गेट कैंसल, तो इसको कोई भी यूनिट नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये जो, हाँ मैं एक और कंसेप्ट लेना चाह रही थी, एक मिनट, अच्छा ठीक है। हाँ, हम ये जो फ्रिक्शनल का कंसेप्ट ले रहे हैं ना, फ्रिक्शन, मैंने जैसे बोला कि दो बॉडी का एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन होता है तभी ये बॉडी आगे मूव आउट करती है। अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये हर बॉडी के लिए डिफरेंट होगा। जैसे मैंने एक रोड लिया, ये रोड है सपोज, ये एक रोड है आपका, और इस रोड पे जैसे अभी का है, जैसे सीमेंट के रोड है, तो आप उसमें देखोगे तो बहुत माइक्रो माइक्रो फॉर्म में, माइक्रोस्कोपिक वहाँ पे फ्रिक्शन होता है। माइक्रोस्कोपिक क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटे 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 उस रोड पे ऐसे पॉइंटर होंगे, बहुत छोटे छोटे, और आपके जो गाड़ी व्हील के जो टायर्स होते हैं उसमें भी देखो, वो कभी भी स्मूथ नहीं रहते, पूरा प्लेन नहीं रहता है, उसमें भी ऐसे 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 कुछ तो भी निकाला हुआ रहता है, यानी गड्ढे गड्ढे रहते हैं उसमें भी। और उन दोनों के, यानी इसके पॉइंटर और इसके पॉइंटर, इन दोनों में एक फोर्स अप्लाइड होता है, वो एक तो फोर्स ऑफ, उसमें भी दो टाइप के फोर्स आते हैं, एक कोहिजन कोहिसिव फोर्स आता है और एक आता है एडिसिव फोर्स। व्हाट इज मीन बाय कोहिसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स किसे कहते हैं, अगर दोनों सब्सटेंस एक ही मटेरियल के होंगे, दोनों जो सब्सटेंस है वो एक ही टाइप के होंगे, तो इन दैट कंडीशन उनमें जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स। यानी जैसे हम बोल सकते हैं कि दो भाई भाई होते होंगे, उनमें जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, दैट इज अ कोहेसिव फोर्स, यानी एक ही खून के दो भाई है, उसका दोनों के माँ बाप एक ही है वैसे। तो ये अगर यहाँ पे अगर लेते हो तो इस टाइप में, इस टाइप के फोर्स को, यानी सेम सब्सटेंस के अगर रहते हैं दोनों, सेम सब्सटेंस वाले अगर
दोनों ऑब्जेक्ट रहते होंगे, तो इन दैट कंडीशन वो व्हील भी बोलो, टायर गाड़ी का टायर भी बोलो, उसका मटेरियल या इस रोड का मटेरियल, या मैंने जैसे मेरे दो हाथ घिस रही हूँ मैं, तो ये दोनों एक ही टाइप का मटेरियल है, एक ही टाइप का सब्सटेंस है, तो इस पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है ये फोर्स कौन सा फोर्स हो रहा, दैट इज अ कोएसिव फोर्स। लेकिन अगर ये मेरा पेज है और ये मेरा हैंड है, अब ये दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस हुए, अगर डिफरेंट सब्सटेंस है तो वहां पे जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स लगता है, तो एडेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है, एडेसिव फोर्स, किसमें लगता है, डिफरेंट सब्सटेंस में। अगर दो डिफरेंट सब्सटेंस में अगर फ्रिक्शन होता होगा तो वहां पे जो लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, एडेसिव फोर्स, और सेम सब्सटेंस के होंगे तो उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, कोएसिव फोर्स। ठीक है, तो अब ये भी डिपेंड करता है कि इस रास्ते पे कितने अमाउंट में फ्रिक्शन दिया हुआ है, उस पे क्या डिपेंड करता है उसका स्टैटिक फ्रिक्शन, उस पे क्या डिपेंड करता है उसका स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें अगर ऑयल होता होगा, इसमें ऑयल होगा या वाटर, आपने देखा होगा कि गीला रास्ता है और आपका अगर ध्यान नहीं है चलाने में, गाड़ी चलाने में, तो आपकी गाड़ी स्लिप डाउन हो जाती है। यानी डिपेंड किस पे कर रहा है, अगर रोड ड्राई होगा तो आपकी गाड़ी अच्छे से चलेगी उसी स्पीड पे, लेकिन बहुत ज्यादा गीला गीला रास्ता होगा तो आपको संभाल संभाल के गाड़ी चलानी होती है। अगर कहीं पे भी बहुत ज्यादा पानी रहा या बहुत ज्यादा स्लिपरी सरफेस रहा तो आप वहां पे गिर जाते हो गाड़ी से, यानी वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाता है। यानी डिपेंड, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हर जगह सेम नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है कि कौन से दो मटेरियल के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, उस पे उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये जो मैं बोल रही हूँ कि बॉडी जस्ट मूव आउट होना स्टार्ट होगी आफ्टर 40 न्यूटन में, अगर उस पे 45 न्यूटन देने के बाद बॉडी मूव आउट होना स्टार्ट होगी, यानी मोशन में आ जाएगी, या फिर ऐसे इंक्लाइंड सरफेस है, मैं यहाँ से बॉडी को छोड़ रही हूँ तो ये बॉडी मूव आउट हो रही है, स्लाइड डाउन हो रही है, तो इस टाइप के फ्रिक्शन को, इन दो बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है या इन दो बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, उस फ्रिक्शन को हम कौन सा फ्रिक्शन बोलेंगे, दैट इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी दो बॉडी रिलेटिवली मोशन कर रही है, रिलेटिव मोशन कर रही है, और इन दैट कंडीशन वो मोशन कैसी हो रही है, जस्ट बॉडी क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है, यहाँ पे बॉडी स्टैटिक रह रही है, यहाँ पे बॉडी जस्ट मूव आउट हो रही है, तो उस मोशन को, उस फ्रिक्शन को हम कौन सा फ्रिक्शन बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, या उसे हम कौन सा फ्रिक्शन बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फॉर्मूला ऐसे ही जाता है, सिर्फ चेंज क्या होता है, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सेम, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल ही जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू के टाइम्स एन जाएगा। व्हाट इज म्यू के अगेन, म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये भी डिपेंड करता है कि कैसा सरफेस है, कैसा सरफेस है, दो बॉडी का कौन सा सरफेस है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल ले लें कि एक स्फेरिकल सरफेस है, एक बॉल है, या ये देखो ये वाला है, ये सरफेस है, इस पे मैं अगर इस पे थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाइड कर दूँ, थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाइड कर दूँ तो ये बॉडी मूव आउट हो जाएगी, रोल डाउन होती है, ये बॉडी रोल डाउन होती है, थोड़ा सा फोर्स अप्लाइड करने के बाद ये मूव आउट करना चालू करती है। या व्हील, आपने बचपन में क्या मालूम आपने खेला है कि नहीं खेला है, तो हमने तो खेला है भाई, टायर जो खराब हो जाते थे हम उसको लकड़ी लेके घुमा घुमा के उसको रास्ते पे ऐसे लकड़ी से घुमा घुमा के चलाते थे, एक बार उसको हमने मोशन में दे दिया तो वो आगे चलते चलते जाता था। लेकिन वो भी आपने देखा होगा कि कुछ देर के बाद, ये भी देखो ना, मैंने इस पे फोर्स लगा दिया, यहाँ पे ये फोर्स लगाए, यहाँ से मैंने इसको फोर्स लगा दिया, ये कुछ डिस्टेंस पे जाने के बाद स्टॉप हो जाता है, खेला है, अच्छी बात है, तो कुछ डिस्टेंस के बाद जाने के बाद देखो ये स्टॉप हो गया। अब मैंने तो इसको स्टॉप नहीं किया, यानी इस पे भी किसी ने तो भी कोई तो भी फोर्स लगाया है जिसके कारण ये बॉडी क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है, यानी इस पे भी क्या, कौन सा फोर्स लग गया, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। कौन फ्रिक्शन दे रहा वहां पे, ये सरफेस फ्रिक्शन दे रहा उसको कि कुछ डिस्टेंस पे ये, मैंने इसको फोर्स लगाने के बाद ये स्टॉप हो रही है, यानी इसकी स्पीड क्या होते जा रही है, कम कम होते जा रही है, और आखिरी में ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ये जो हो रहा है, ये स्टॉप हो रहा है किसके कारण हुआ, मैंने तो स्टॉप नहीं किया,
बॉडी तो कंटिन्यू मोशन में रहनी चाहिए, जब तक कि उस पे कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाता तब तक थी। यानी इस पे भी किसी ने तो भी एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, वो फोर्स किसने लगाया, तो इस सरफेस ने और इसके सरफेस ने, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ। इस फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा, और वो कौन सा फ्रिक्शन हुआ, अब ये बॉडी रोल डाउन होके आती है, इसलिए फिर हम इसको नाम क्या देते हैं, इस फ्रिक्शन को नाम क्या देते हैं, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। और सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला जाता है, सिर्फ यहाँ पे हम रोलिंग के लिए म्यू आर यूज करेंगे, और वो क्या रहेगा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ऐसा जाएगा फॉर्मूला, ऐसे ही जाएगा। एन के जगह आप एम जी डाल सकते हो, क्योंकि एन किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है, तो यहाँ पे एन के जगह एम जी आता है, ये ऐसे आएगा। रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू एन। व्हाट इज म्यू आर, म्यू आर इज द कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, बस इतना ही कंसेप्ट होगा, बाकी कुछ नहीं। और ये भी हर जगह अलग होगा, डिपेंड करेगा इन दो सरफेस कैसे है उस पर डिपेंड करेगा, कौन सा सरफेस है उस पे डिपेंड करेगा आपका फिर से म्यू, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ये उस पे डिपेंड करेगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि मोटर व्हीकल्स होती है, उसके अंदर के जो इंजिन्स होते हैं, तो उसकी अगर इफिशियंसी बढ़ानी है तो आप उसमें ग्रीस या ऑयल डालते हो, इफिशियंसी बढ़ाने के लिए डाला जाता है। क्यों उसमें डाला जाता है, क्योंकि अगर उनके जो अंदर के मोटर पार्ट्स होते हैं, वो मोटर पार्ट्स में बहुत ज़्यादा अगर फ्रिक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर सकता है, या बहुत ज़्यादा साउंड प्रोवाइड कर सकता है। तो वो हीट को अगर मुझे लेस करना है या उस साउंड को मुझे कम करना है, तो हम उसमें कुछ ल्यूब्रिकेंट मटेरियल डालते हैं, जैसे ऑयल डालते हैं, जैसे मशीन कोई भी मशीन होती है, या फिर एक आधा स्क्रू होता है बहुत टाइट होता है और हमें उसको खोलना होता है, तो हम उसमें कुछ तो भी तेल ऑयल डालते हैं। क्यों डालते हैं, उसको फ्री करने के लिए, फ्री करने के लिए, यानी उस टाइप में क्या होगा, फ्रिक्शन क्या लगेगा, कम होगा, और वो स्मूथली बॉडी क्या होती जाएगी, मूव आउट होना स्टार्ट करेगी। यानी इसका फायदा भी है, एडवांटेजेस भी है फ्रिक्शन के, और डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स लगता है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन काइनेटिक फोर्स, ये ध्यान में रखो, फ्रिक्शनल स्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फोर्स, एंड ग्रेटर, ये जो काइनेटिक फोर्स है ये किससे ज़्यादा होता है, तो रोलिंग फ्रिक्शनल से। ये तीनों फ्रिक्शनल ही है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा, उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा एज कम्पेयर टू द काइनेटिक एंड एज कम्पेयर टू द रोलिंग। सबसे ज़्यादा इसमें, उससे कम इसमें फोर्स लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, और सबसे कम किस में लगता है, तो रोलिंग में लगता है। अब आपके टेक्स्ट बुक में इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। पहला दिया है फ्रिक्शन के, आपको एडवांटेजेस पता है, पहला तो यही है, किसी भी बॉडी को मोशन करना है तो उसके लिए उसको फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, वो कम ज्यादा अमाउंट में लगेगा। अब वी कैन वॉक ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड फीट, वहां पे अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारे पाव वही के वही चलते, हम आगे मूव आउट ही नहीं कर पाते। जैसे कोई बहुत ज्यादा ऑयल पड़ा होगा और वहां पे अगर कोई मोशन करना चाहेगा तो वो वही के वही मोशन करेगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। वैसे वी कैन होल्ड ऑब्जेक्ट इन हैंड ड्यू टू द स्टैटिक फ्रिक्शन, हम हाथ में भी जो पकड़ पाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, वो किसके कारण यूज होता है, हमें तो सारा स्मूथ दिखता है, लेकिन हम अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमारे हाथों में भी बहुत सारे वैकेंसीज है। हमारा हाथ जो दिखेगा वो प्लेन सरफेस नहीं दिखेगा, ये प्लेन भी आपको, पेन भी आपको प्लेन दिख रहा है, लेकिन हम बहुत इससे देखेंगे इसको तो इसमें भी देखो कुछ अमाउंट में होल्स होंगे जिसके कारण हम इसको पकड़ पाते हैं। पकड़ भी किसके कारण होती है, फ्रिक्शन के कारण ही होती है। अगर इसको ऑयल लगा होगा तो यह हमारे हाथ से स्लिप डाउन हो जाएगा। वैसे ब्रेक्स ऑफ व्हीकल वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, ये तो आपको पता ही है, गाड़ी की स्पीड अगर कम ज्यादा भी करनी है तो हमें ब्रेक्स अप्लाई करने होते हैं, ये नहीं तो हमारी गाड़ी स्टॉप ही नहीं होंगी, चलती रहेंगी, तो हमें उसको अगर स्टॉप करना है तो फ्रिक्शन नेसेसरी है। देन क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री इज पॉसिबल ड्यू टू द फ्रिक्शन, झाड़ावर चढ़ायचं ही असेल तो वो फ्रिक्शन के कारण ही होता है। अगर
वो पेड़ बहुत ज्यादा, उसका जो स्टेम रहेगा वो बहुत ज्यादा प्लेन रहेगा, तो हम उस पे नहीं चढ़ पाएंगे। यानी वो आपने देखा होगा कि स्टेम ज्यादातर बहुत खुरदरा होता है, उसके कारण ही हम उस पे चढ़ सकते हैं। देन डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? मैम हमले आता तो नाइस सैंड स्लिप का होते। अच्छा आइस तो तसाई बाबा स्मूथ असतो, तो तसाई स्लिप डाउन होते, पकडता येतो पण असं काही नाही की पकडता येत नाही म्हणून। आणि आपल्या हातातून जी वाळू आहे ती सरकून जाते, त्याला कारण असं आहे की आपले हाताची जी मुठ्ठी आहे ती पक्की राहत नाही आणि वाळू फार स्मूथ असते, म्हणजे बारीक असते खूप। वॉटर ल्युब्रिकंट म्हणून ल्युब्रिकंट म्हणून नाही होणार, पण जर त्याच्यातही कसं असतं ना, रोडवर ल्युब्रिकंट मटेरियल ॲक्च्युली ही राहते, माती राहते जी पाण्याने सरकून आलेली असते, आणि तिथे पाणी असतं आणि पाणी आणि ते मातीचं मिश्रण तयार झालेलं असतं, म्हणून तो त्या ल्युब्रिकंट सारखा वर्क करतो। नाही तर तसं काही पाणी ल्युब्रिकंट मटेरियल म्हणता येणार नाही, पण आहे, पण अगदीच लेस अमाऊंटमध्ये त्याच्यामध्ये ल्युब्रिकेशन राहील पाण्यामध्ये, असं राहील। ठीक आहे, अब मेथड, हां डिसएडवांटेजेस क्या है? आईसा काय एक्स, आईसा एक्स, एक्स म्हणजे काय वेदांत? वेदांत एक्स म्हणजे काय? ई एक्स म्हणजे काय म्हणतोय तू? एक्झाम्पल आईस का बर्फ हातात पकडला जातो, स्लिप डाऊन लगेच होत नाही, पण त्याच्यात जर खूप जास्त हे असेल तो ॲक्च्युली, हां बर्फ का होतो तो पाणी, तुमचं म्हणणं आहे की तो पाणी होतो म्हणून स्लिप डाऊन होतो असं नाही, त्याच्यातही त्या बर्फामध्ये तो जो सम अमाऊंटमध्ये जर तुम्ही पाहायला गेला याच्यात मायक्रोस्कोपिक फ्रिक्शन आहे बेटा, सगळ्या बॉडींमध्ये जे फ्रिक्शन दाखवलेलं आहे याच्यात ते मायक्रोस्कोपिक दिलं आहे, जे तुमच्या डोळ्यांनी पण दिसणार नाही, तुमच्या हातावरचं सुद्धा तुम्हाला फ्रिक्शन जाणवत नाही, या रेषांमुळे म्हणू शकता हाताला असं थोडंसं रफनेस जाणवते, याच्यावरचं फ्रिक्शन दिसते का तुम्हाला पेजवरचं? पेज तुम्हाला स्मूथ दिसते, पण तुम्ही मायक्रोस्कोपनी जर बघाल तर याच्यात तुम्हाला बारीक बारीक कॅव्हिटीज दिसतील, म्हणजे कॅव्हिटी म्हणजे अगदीच हे नाही, पॉइंटर दिसतील तुम्हाला, आणि ते पॉइंटरमुळे तुम्ही त्याच्यावर फ्रिक्शन करू शकता असं राहते। तर त्या बर्फातही फ्रिक्शन असेल, म्हणजे सम अमाऊंट ऑफ त्याच्यामध्ये पण पॉइंटर्स असतील, असे स्पेस असतील वर खाली ओबडधोबड, की ज्याच्यामुळे आपण त्याला हातात पकडतो आणि तो म्हणजे ते अगदी कमी, म्हणजे असं म्हण की त्याच्यामध्ये जो आपला ॲडिशन किंवा कोहेसिव्ह फोर्स जो असेल तो लेस लागत असेल, त्या फोर्सेसमुळे काय होतंय की पकड बरोबर होत नाही आणि तो स्लिप डाऊन होतो असं। देन फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, फ्रिक्शन मोशनला अपोज करते, कारण आपण गाडीला स्टॉप करतो म्हणतोय, गाडी को व्हेइकल को हम स्टॉप करना बोल रहे, क्यों? ब्रेक सप्लाइड करते क्यों? क्योंकि वो ब्रेक्स उस पे क्या देते हैं? फ्रिक्शन देते हैं, और उसकी मोशन को क्या करता है? वो लेस करता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन, इट ऑल्सो प्रोड्यूस नॉइस, ये भी पता है आपको, बहुत ज़्यादा वो घिस रहा होगा उस मोशन पे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करते हैं, और उसे अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो मैं फिर वो ऑयल या कोई भी ल्यूब्रिकेंट मटेरियल जो जिसका ग्रीस ऐसा हम उसमें डालते हैं जिसके कारण वो मशीन बिना आवाज किए चलती है। ऑटोमोबाइल इंजन कंज्यूम्स मोर फ्यूल ड्यू टू फ्रिक्शन, तो हम उस फ्रिक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है और हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट कर सकता है ऑटोमोबाइल इंजन, तो अगर मुझे उसको रिड्यूस करना है तो फिर से मुझे उसमें क्या डालना पड़ेगा? ल्यूब्रिकेंट मटेरियल, ये नीचे दिया ही है, यूज ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स ऑयल्स एंड ग्रीस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ मशीन, यूज ऑफ बॉल बेअरिंग कन्वर्टिंग कायनेटिक फ्रिक्शन इन टू द रोलिंग फ्रिक्शन, तुमच्या त्या याच्यामध्ये असते बघा गाडीच्या याच्यात पण राहते, साधं तुम्ही सायकल बघितली असेल सायकलच्या चेनमध्ये पण राहते, पाहिले बॉल बिअरिंग पाहिले आहे का तुम्ही त्याच्यामध्ये? हां, तर ते त्याला त्याचा शेप राऊंडिंग शेप असतात ना, आतमध्ये ते जे छर्रे टाकले असतात ते गोल गोल असतात, तर त्या बेअरिंगमुळे काय होते की ती जी तुमची बॉडी मोशनमध्ये येते आणि कायनेटिकची कशात कन्वर्ट होते? रोलिंगमध्ये जाते, म्हणजे कायनेटिकमधून तो कशात कन्वर्ट होऊन जातो? रोलिंगमध्ये, त्या बिअरिंगमुळे। आणि जनरली मॅक्झिमम ऑटोमोबाईल व्हेकल्स वगैरे जे आहे, मशिनरीज आहेत, त्याच्यामध्ये तर सगळ्यात जास्त बिअरिंगचा यूज केला जातो, कोणती मोशन इझिली होण्यासाठी, रोलिंग किंवा इझिली होण्यासाठी जी आपण यूज करतो
तो त्याच्यासाठी बॉल बेअरिंगचा यूज केला जातो. ठीक आहे, तर दॅट इज द रिड्युसिंग फ्रिक्शन ऑफ. इथे तुम्हाला वेगवेगळ्या मटेरियलचे कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिलेले आहे, कायनेटिक फ्रिक्शनचे दिलेले आहेत, देन स्टॅटिक फ्रिक्शनचे पण दिलेले आहेत. ते डिपेंड करते आणि काही काही याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्समध्ये डायरेक्ट दिलेले असतात तुम्हाला ह्या व्हॅल्यूज, तर तुम्ही त्याच्यातून यूज करू शकता. तर दॅट इज द रोलिंग कायनेटिक. आणि हा पार्ट जे डबल ई नीटच्या हिशोबाने फार इम्पॉर्टंट आहे. ज्याला जे डबल ई नीट हा कन्सेप्ट करायचा आहे त्याच्यासाठी याच्यावर प्रॉब्लेम असतात, म्हणजे असतात फ्रिक्शनवर, कारण हे फ्रिक्शन इथे यूज होते. नंतर NLM म्हणजे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशनमध्ये पण यूज होते,